अभी लोग लॉग इन कर रहे हैं, लेकिन वी विल स्टार्ट द सेशन. टुडेज सेशन इज ऑन सिम्टम कंट्रोल और आई एम वेरी प्लीज टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू टुडेज फैसिलिटेटर्स. आज की लीड फैसिलिटेटर है डॉक्टर रजनी भट्ट, हु इज एन इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजिस्ट ट्रेन इन क्रिटिकल केयर एंड ऑल्सो पैलिएटिव केयर, एंड शी विल बी लीडिंग द सेशन अलॉन्ग विद सिस्टर स्टेला, who has been a long-term teacher in the palliative care community in India with 34 years worth of experience in nursing. And I know that there are lots of nurses in our audience. 34 years worth of nursing and training and 15 years dedicated to palliative care. Sister Stella has been with the army and has just recently retired, but continues to contribute to the field, training other people as well. So, welcome, Rajni and Sister Stella. Rajni, I'm going to hand over to you and we can start the session. Thank you so much. Thank you so much. मैं पूछना चाहती थी कि डॉक्टर राजी डॉक्टर राजश्री ज्वाइन करने वाली थी टू जस्ट डू अ समरी ऑफ यस्टरडे सेशन, तो अगर डॉक्टर राजी हैं तो मैं इनवाइट करना चाहूंगी उनको. I don't think she's here yet. Achha, theek hai. So, when Dr. Raji joins, then maybe I will request her at that time to come on board, and then just we can kind of do a quick recap of yesterday. And if there were any specific concerns, jo the, jo nahi. वैसे I think अभी और participants join होने हैं, तो मैं शुरू करने से पहले मैंने सोचा कि शायद हम एक छोटा सा एक्सरसाइज साथ में कर सकें, ताकि जो लोग हैं मौजूद अभी, हम सभी साथ में एक छोटा सा एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज साथ में कर पाए. तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एक सेकेंड के लिए मुझे अपना पूरा ध्यान दें. जो भी अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो कलम को नीचे रख दीजिएगा और हम साथ में सांस लेंगे. तो I'm going to ask all of you to take a deep breath in, take a long slow inhale and a long slow exhale. अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा कीजिएगा, जैसे आप लंबा समय धीरे से छोड़िएगा. जब हम लंबा सांस अंदर खींचते हैं तो लगता है कि पूरी जान आ रही है अंदर, एनर्जी आ रही है, और जब हम छोड़ेंगे तो थकान, जो भी हमें सैडनेस, थकान, इरिटेशन महसूस हो रहा है, उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं अगले 2-3 सांसों में आपको एक अलग इंस्ट्रक्शन दूंगी कि मैं बोलूंगी कि आप लंबा सांस खींचे और आधी सांस छोड़ दे, आधा अंदर ही रखें, और उसके बाद में हम आधे सांस पे ही आगे पीछे सांस अंदर बाहर करेंगे. तो एक लंबा सांस अंदर कीजिएगा, आधी सांस छोड़िएगा, फिर से सांस लीजिएगा, फिर से सांस छोड़िएगा, फिर से सांस लीजिएगा, फिर सांस छोड़िएगा, फिर से सांस लीजिएगा, और आधी सांस छोड़िएगा, आधी सांस अंदर, अब पूरा बाहर. अब आप आराम से सांस ले सकते हैं. अब इस एक्सरसाइज के साथ में मेरा मकसद ये था कि मैं आप सभी को एक एक्सपीरियंस दिलाऊं कि हमारे जो पेशेंट्स जिनको सांस में तकलीफ होती है उन पे क्या बीतती है. तो शायद आपने नोटिस किया होगा कि जब हमारा पूरा लंग ऐसे भरा हुआ है और अंदर बाहर करने के लिए जगह नहीं है, तो हम छोटे छोटे सांसें अंदर बाहर तेजी से लेते हैं, तो हम और किसी चीज के बारे में सोच नहीं पाते, बस वो सांस पे ही ध्यान ले पाते हैं, और एक अजीब सी एक बेचैनी अंदर होती है. तो ये महसूस करना एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि ज्यादातर हम लोग ये कभी महसूस ही नहीं कर पाए हैं कि हमारे पेशेंट्स पे क्या बीती है. सो विद दैट लिटिल एक्सरसाइज, कीपिंग दैट एक्सपीरियंस इन माइंड, हम लोग शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को. और एक सेकेंड, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लूंगी आपके साथ में.
आशा है कि सभी को स्क्रीन नजर आ रहा है अभी. ठीक है, थैंक यू. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिम्टम कंट्रोल इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ COVID-19. और हमने काफी कुछ, आई एम श्योर सभी ने काफी कुछ न्यूज की खबरों में, आपके गाइडलाइंस में, आपके व्हाट्सएप मैसेजेस में, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके पेशेंट्स के साथ में ऑलरेडी काफी कुछ जानकारी सभी के पास होगी कि क्या क्या सिम्टम्स होते हैं. लेकिन आगे आज हमारा मकसद होगा कि हम समझ पाए कि हमारे जो रिसोर्स टूलकिट में जो मैनेजमेंट एल्गोरिथम. यस स्मृति, सॉरी, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क यू टू टर्न योर वीडियो ऑफ सो दैट योर ऑडियो गेट्स अ लिटिल क्लियरर. इट्स अ लिटिल स्क्रैची एट द मोमेंट. ओके, साउंड्स गुड. आई विल जस्ट डू दैट. तो आज हम फोकस करेंगे कि हम सिम्टम्स को कैसे कंट्रोल कर पाए. और आपके जो हैंडबुक में एक लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिकेशंस है उस पे बस थोड़ा सा हम एक नजर डालेंगे ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हम ये इस एक घंटे में शायद सब कुछ ना डिस्कस कर पाए, लेकिन ये सारे रिसोर्सेस आपके पास हैं जिस पे आप रिलाई कर सकते हैं आपके पेशेंट्स के सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए. तो आगे बढ़ते हुए हमारे आज के ऑब्जेक्टिव्स होंगे हम ध्यान दें, और डिलीरियम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. इन दोनों सिम्टम्स के ऊपर ध्यान देते हुए हम ये सोचेंगे कि क्या क्या स्टेप्स होते हैं रिलीव करने के लिए. और अगर आपने कोई और मैनेजमेंट देखा है हमारे साथ में जो बहुत ही एक्सपर्ट हैं और आपको बहुत सारे टिप्स उनसे आपको मिलेंगे कि हम कैसे ये इन चीजों का इस्तेमाल भी कर पाए इन डिफिकल्ट सिचुएशंस एज वेल. तो हम फिर से चलते हैं हमारे पेशेंट के साथ, मिस्टर रमेश, जो जिनकी मुलाकात आपकी हुई थी कल, कि उन्हें कुछ सिम्टम्स महसूस कर रहे थे. वो आपको पता है कि वो डायबिटिक हैं, उनको हार्ट की बीमारी है, उनको स्ट्रोक हो चुका है, और वो काफी डिपेंडेंट है अपने फैमिली मेंबर्स पे उनके ख्याल के लिए. तो अभी हमें ये पता चला है कि उनको सिम्टम्स हो रहे थे सोर थ्रोट और खांसी के, और वो नियरेस्ट मेडिकल ऑफिसर्स के साथ बात करके उन्होंने, उनके बेटे ने बात की और उनको कहा गया था कि आप नियरेस्ट कोविड ट्रीटमेंट सेंटर जाएं, वहां पे स्वैब किया गया और रिजल्ट पॉजिटिव आया. तो रमेश को बहुत बेचैनी हो रही है, उन्हें डर लग रहा है, उनको लग रहा है कि वो शायद अपनी फैमिली से नहीं मिलेंगे. तो मैं चाहूंगी कि आप एक दो सेकेंड यहाँ पे ये चैट बॉक्स में थोड़ा अगर आप बात कर पाए, शेयर कर पाए कि आपके क्या विचार हैं, कि व्हाट आर द इश्यूज दैट विल बी कंसर्निंग मिस्टर रमेश एंड हिज फैमिली एंड हाउ विल यू रिस्पॉन्ड टू हिम. तो अगर आप एक दो सेकेंड आप ये कर पाएंगे कि आप डिस्कस करें, मैं सिस्टर स्टेला से पूछूंगी कि वो अगर चैट बॉक्स के ऊपर चैट बॉक्स को देख के बता पाए कि आप लोगों की क्या रिस्पॉन्सेस हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर पाए. तो क्या लगता है आपको, कौन से इश्यूज कंसर्न कर रहे होंगे उन्हें? मैं अगर हमें एक दो रिस्पॉन्सेस अगर आप कृपया चैट बॉक्स पे देंगे तो हम आगे बढ़ पाएंगे. ठीक है, आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट ऑडियंस को, जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, कि हम ये अच्छा होगा कि अगर हम कुछ बातचीत भी कर पाए चैट बॉक्स पे. तो मैंने आपके सभी के ग्रीटिंग्स तो एक्सेप्ट किए हैं, लेकिन अब थोड़ी बातचीत भी करते हैं. तो जरूर चैट बॉक्स फंक्शन यूज कीजिएगा, इससे हमारा इंटरेस्टिंग डिस्कशन हो जाएगा. तो डॉक्टर संदीप कुमार कह रहे हैं कि आई वॉन्ट टू नो अबाउट द अननोन. एंड अच्छा, तो डॉक्टर राजश्री आ गई हैं हमारे साथ में, तो मैं डॉक्टर राजश्री से एक मिनट दरख्वास्त करूंगी. आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर राजश्री की कल का एक छोटा सा रिकैप हो जाए ताकि आप सबका भी मूड सेट हो जाए कि आगे क्या होने वाला है हमारे, हम अपने पेशेंट के साथ में आगे बढ़ने वाले हैं. तो कल का थोड़ा डिस्कशन हो जाए. डॉक्टर राजी, मैं रिक्वेस्ट यू टू बस अ फ्यू वर्ड्स अबाउट यस्टरडेज डिस्कशन.
am I audible? Yes. Sorry that I may not be able to speak in Hindi, but you know, like, I mean, you want me to recap about the, I mean, yesterday's session? Yes, ma'am. Just an idea of where we as an entire group, sare participants or facilitators, how far have we come on the journey with Mr. Ramesh, and what were some of the things we discussed? So yesterday, I understand Charu and Dinesh, both of them have done the session together. So we have seen that how palliative care becomes so relevant in COVID-19, because, you know, palliative care encompasses a kind of holistic care by touching not only the physical aspect, psychosocial and spiritual aspect as well. So when COVID-19 or any other disaster or pandemic strikes the whole world, it is not only the physical issue which pop out, because the humanity, I mean, the human being as a whole, they have the suffering. They have the suffering. Whole person suffering. So palliative care is the only kind of specialty which can address that suffering in a holistic manner by looking at different domains like physical, psychosocial, and spiritual. Am I making sense? Hello. Did I say, ma'am? Your voice. Am I audible? Yes, ma'am. That's okay. Okay. Then I was telling about how palliative care becomes relevant in COVID-19 because it encompasses the holistic care of the person, particularly when a disaster or a pandemic like COVID-19 strikes the whole world. So we have seen that, and we have also seen how triaging becomes important, because all patients who are affected with COVID-19, they do not require the kind of intensive or aggressive measures like ventilation or other kind of life supportive measures. These measures can be futile and of no use in certain groups of patients. So we need to identify who will be benefited with this kind of aggressive measures, and also who will not be benefited. So these patients who will not be benefited with invasive or aggressive measures should be referred for appropriate symptom control and palliative care management. So that is what we have seen yesterday. And also, Charu had emphasized on the ethical principles which we have to consider, like autonomy, beneficence, maleficence, and distributive justice. And we have to connect everything together and balance all ethical principles when we approach, when we make a decision or in the process of decision making in COVID-19, not only in COVID-19, in any other situation, it matters a lot. Different levels, like, you know, in the triaging system, we have seen that we have multiple layers of workers who are taking care of COVID-19 patients, like ASHA workers, CFLTC, like First Line Treatment Center and COVID-19 Treatment Center. And why we are highlighting all those things? Because, you know, we have to have a clear idea in mind. What if we are not able to provide complete reversal of symptoms or absolute cure for these patients affected with COVID-19? So we have started the journey with Ramesh. We have seen that Ramesh was a patient who was 70 plus, like I understand he's 75 plus, with lots of comorbidities. So we have seen that what are the usual concerns such an elderly person or a person with such a comorbidities can have. So having gone to all other details, today we are coming back to Ramesh again. Yeah? And we are at a point where he
He has been having some symptoms for which he was taken to a nearby center where he was subjected to test for SARS-CoV-2, where he was tested positive. So now we are with Ramesh, with his anxiety coming out of his mouth, as you know, words like what will happen to me, and what is my status going to be. And now we are here. Now let us move the journey. On the journey forward, by addressing his concerns and going to symptom management. Does that make sense? Absolutely. Thank you so much, Dr. Rajit, for taking us through the journey yesterday. Dr. Rajni, there are some questions. Yes. I will share with you. Yes, please. Yeah, but I'm Dr. Sandeep asking, want to know about the unknown. Mm-hmm. And from Smriti, uncertainty and anxiety. And from Dr. Yes. Rajasri, will have to die without seeing my family. Oh my. Yes. And again, Dr. Sandeep Kumar, how to move mm-hmm. forward? What is mm-hmm. now in treatment, management, etc. And now this is the end of him. What are the options for patient and family? Fantastic. I mean, some really really valuable responses and inputs coming in over there. And the most important thing I think that is really nice to see in these responses is ki a question jo aa raha hai ki what are the options for the patient and family. To hum ise is nazariye se dekh rahe hain ki hamesha hamare paas choices hote hain har patient ke saath mein. Agar patient serious ho तो आगे क्या किया जाए. ऐसा नहीं है कि एक ही रास्ता है, हमेशा choices होते हैं और हमारे पास how will you respond to them, ये basic pillars of ethical management है हमारे पास में कि किस basis पे हम हमारे decisions, options of management offer करेंगे patient के family को. तो ये ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं. डॉक्टर राजश्री कह रही हैं, विल आई बी द सोर्स ऑफ इन्फेक्शन टू अदर्स. तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि पेशेंट अपने बारे में ही नहीं लेकिन अपने फैमिली के बारे में भी चिंतित है, और ये भी कि मेरा ध्यान कौन रखेगा हॉस्पिटल में. तो आगे बढ़ते हैं. अगले दिन मिस्टर रमेश की कंडीशन थोड़ी और बदतर हो जाती है. उन्हें तेज बुखार है, खांसी ज्यादा हो रही है, सांस में तकलीफ ज्यादा हो रही है, बहुत थकान है और एकदम ही उनको ही इज फीलिंग वेरी अनवेल कि मैं बिल्कुल ठीक ही नहीं हूँ, मैं अपने मेरा कंडीशन अच्छा नहीं है. उनका हार्ट रेट तेज हो गया है, 120. He has a fever of 101. Oxygen saturation भी गिर गया है. और अभी clinical team discuss करती हैं कि आगे क्या किया जाए. अभी ये ध्यान में रखते हुए कि Mr. रमेश का condition जो है, उनका background ये है कि उनकी उम्र है, medical conditions जो है उनके, उनको stroke हो चुका है, वो dependent है, bed bound है. तो ये सब को ध्यान में रखते हुए और कल का जो डिस्कशन था कि हर पेशेंट के लिए क्रिटिकल केयर और इंटरवेंशंस और अग्रेसिव ट्रीटमेंट बेनिफिशियल नहीं होते, तो अगर इनसे बेनिफिट नहीं होने वाला है तो आगे क्या किया जाए. और पेशेंट का बेटा कह रहा है फोन करके कि प्लीज डू एवरीथिंग फॉर माय फादर. तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इस सिचुएशन में व्हाट डज प्लीज डू एवरीथिंग फॉर माय फादर मीन टू यू. मेरे पिताजी के लिए सब कुछ करें, क्या इसका मतलब ये है कि हम दुनिया में जो भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है वो दें, या मेरे पिताजी के लिए वो सभी करें जो उनके लिए सही हो, जो उनके लिए अच्छा हो. हाउ आर यू गोइंग टू इंटरप्रेट दिस, आप इसे कैसे हैंडल करेंगे. ऐसे पेशेंट को क्या आप आईसीयू वेंटिलेटर सजेस्ट करेंगे या आपके पास कोई और रास्ता है. तो एक दो रिस्पॉन्सेस यहाँ पे मैं चाहूंगी. अगर आप डॉक्टर संदीप हैज पुट, वी नीड टू आस्क हिम व्हाट ही वांट्स. एंड वन मोर, इट इज कॉमन रिक्वेस्ट बाय ऑल द फैमिली मेंबर्स. डॉक्टर संदीप इज सेइंग टू एक्सप्लोर मोर फ्रॉम हिम. हाँ. एंड डॉक्टर गीतिका, दे वॉन्ट हिज कम्फर्ट एज अ प्रायोरिटी. Fantastic. So basically, this is the emotional response of the family which says, please do everything for my father. This is coming out of love. This is coming out of
एंग्जाइटी अबाउट वो पिताजी का ख्याल सही तरह से हो. इसका ये मतलब नहीं है कि दुनिया में हर चीज की जाए अगर उससे उनको फायदा नहीं होने वाला, उनको रिलीफ नहीं होने वाला. और डॉक्टर संदीप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आ रहे हैं, विच इज पेशेंट ऑटोनॉमी, कि पेशेंट को क्या चाहिए. कई बार क्या होता है कि पेशेंट का बेटा बोलेगा कि सब कुछ कीजिएगा, लेकिन अगर पेशेंट ने खुद कहा है कि ये मुझे मंजूर नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ मुझे मंजूर नहीं है, ये चॉइस मुझे मंजूर नहीं है, तो पेशेंट, इफ इट इज एन अडल्ट पेशेंट विद फुल कैपेसिटी, उनका विश सबसे इंपॉर्टेंट होता है. कई बार हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि पेशेंट आइसोलेटेड है और शायद उनको बात करने का मौका नहीं मिले, तो फिर हम वो अगर फैमिली के साथ डिस्कस कर दें और बोल दें फोन पे या वीडियो कॉल पे, तो ये सभी लोग साथ में एक डिसीशन ले पाते हैं. दिस इज अनदर थिंग दैट वी कैन ऑफर टू द पेशेंट एंड द फैमिली. तो यहाँ पे सिचुएशन अलग क्यों हो जाता है इन पेशेंट्स विद COVID-19, क्योंकि ये एक अल्ट्रा इमरजेंसी सिचुएशन है. नाउ देयर इज दिस, ये अल्ट्रा इमरजेंसी का मतलब ये है कि एक सेपरेशन हो गया, कि अचानक से कोविड पॉजिटिव का रिजल्ट आ गया, उसके बाद में पेशेंट और फैमिली को अलग किया गया. पेशेंट और डॉक्टर के बीच में, डॉक्टर और फैमिली के बीच में जो रिलेशनशिप जो नॉर्मली बनता है उसके थोड़े लिमिटेशंस आ गए हैं. और ये टाइम जो हम नॉर्मली लेते हैं कि हम एक दूसरे को जान पाए, एक दूसरे के प्रेफरेंसेस जान पाए, बैठ के बात कर सके, ये हमारे पास नहीं है. तो देर आर सर्टन चैलेंजेस टू बींग एबल टू मेक दीज डिसीजंस. एंड ये अलग चीज है हमारे पैलिएटिव केयर में पेशेंट्स विद कोविड के साथ में. दूसरी बात मैं आपको ध्यान में रखना के लिए कहूंगी कि कहा जाता है कि देर इज नो इमरजेंसी इन अ पैंडेमिक, यानी कि कोई भी चीज बिना बात किए, बिना सोचे डिस्कस किए नहीं की जाती. तो इवन इंट्यूबेशन या CPR या वेंटिलेशन के जो डिसीशंस हैं, जो नॉर्मली क्रिटिकल केयर में हम बहुत ही तेजी से ले लेते हैं, ये सभी चीजों में बिकॉज हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करना होता है, हमेशा हमारे पास टाइम थोड़ा ज्यादा होता है, क्योंकि पैंडेमिक में वी कैन टेक द टाइम. तो जैसे अगर तैयारी भी किसी भी चीज की कर रहे हैं उस टाइम में, हम पेशेंट के साथ में, फैमिली के साथ में, इस टाइम को आप कम्युनिकेशन के लिए भी यूटिलाइज कीजिए, एक्सप्लोरिंग गोल्स ऑफ केयर. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. और ये सारे जो चैलेंजेस जो बताए गए हैं, ये कल के सेशन में हम और डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि कल का पूरा सेशन कम्युनिकेशन के ऊपर है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है. तो कॉमन सिम्टम्स क्या होते हैं COVID-19 में? Sister Stella, you would like to discuss something? Yeah. That when we are talking about taking a decision, my main aim is ki pehle patient se baat kar lo. Aur jab sirf patient se nahi, patient se baat karne ke baad jo bhi patient ne bataya, we have to talk to the patient's family also, patient's ka concerns ki baat. ये नहीं कि सिर्फ पेशेंट को सुन लिया और फैमिली से कोई बात नहीं. बहुत सारा टाइम ऐसा होता है कि फैमिली से बात करेंगे और पेशेंट से बात नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए. हमेशा दोनों से बात करना बहुत जरूरी होता है, ताकि हम लोग वी विल कम टू अ पॉइंट वेयर व्हाट वी हैव टू डू फॉर द पेशेंट. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टेला, क्योंकि स्पेशली यहाँ पे देखा जाए तो कोविड के सिचुएशन में पेशेंट, फैमिली, डॉक्टर, तीनों के बीच में ये कम्युनिकेशन मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम साथ में फिजिकली आइसोलेटेड हैं. पहले जैसे सभी एक रूम में साथ में बैठ के बात कर सकते थे, वैसा नहीं. तो कौन से सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स में कोविड, जिनको कोविड है? कॉमन सिम्टम्स तो होते हैं फीवर, खांसी, सांस में तकलीफ होना, लोग बोलते हैं कि टेस्ट नहीं आता, स्मेल नहीं आता. और भी सिम्टम्स होते हैं, बदन में दर्द होना, भूख ना लगना, गले में तकलीफ होना. एंड अनकॉमन सिम्टम्स होते हैं डिजीनेस, हेडेक, डायरिया या एब्डोमिनल पेन. न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स रिपोर्ट किए गए हैं कई सिचुएशंस में, यंग स्ट्रोक्स रिपोर्ट किए गए हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज क्लॉटिंग टेंडेंसी. स्किन में रैशेज या वैस्कुलेटिक रैशेज होते हैं, ये रिपोर्ट किए गए हैं. नाक में तकलीफ, राइनोरिया, नेजल कंजेशन, चेस्ट पेन, कंजंक्टिवाइटिस और कभी कभी हीमोप्टिसिस भी रिपोर्ट किया गया है, ये लेस कॉमन है. तो हम ये सिम्टम्स होते हैं वो डिसीज के अलग अलग स्टेजेस में ज्यादातर मैनिफेस्ट होते हैं. तो कॉमनली देखा जाए तो अर्ली इन्फेक्शन जो होता है पहले हफ्ते में, आफ्टर द एक्सपोजर 4 to 5 days इंक्यूबेशन पीरियड के बाद में लोग सिम्टम्स डेवलप करते हैं, तो तभी होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जैसे कि बुखार, खांसी. और जैसे डिसीज बढ़ता है अगले फेज में, तब हम नोटिस करते हैं कि सांस में तकलीफ, ब्रेथलेसनेस शुरू हो जाती है. ये मॉडरेटली सिवियर इलनेस हो जाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल्स कम हो रहे हैं. दीज आर द पेशेंट्स
who will require hospitalization. We will occasionally also admit patients with mild constitutional symptoms if they are more at risk and more vulnerable. Or jaise disease badhti jati hai, to tabhi ye fir multi-organ failure ARDS ke taraf progress ho raha hai. Yahan pe sare all organ, other organ systems ke bhi involvement shuru ho jate hain. To breathlessness, lung involvement jo primary tha, abhi aapko blood pressure dropping, heart rate increasing, cardiac issues, ये सारे किडनी फेलियर लिवर एंजाइम्स राइजिंग ये सारे चीजें भी नोटिस करने को मिलेंगे. तो ये सभी जो है इनके वजह से आपको सिम्टम्स आप देखेंगे अलग अलग स्टेजेस में डिसीज में. तो ये बताया गया है कि जो अलग नए ट्रीटमेंट्स जो आए हैं रेमडेसिविर जो एंटीवायरल है उससे रिकवरी टाइम तो इम्प्रूव हो गया है लेकिन अभी तक सर्वाइवल नहीं और ये मॉडरेटली सिवियर और सिवियर इलनेस में है. डेक्सामेथासोन स्टीरॉइड्स हैव बीन यूज्ड एंड दे हैव आल्सो शोन बेनिफिट लेकिन अगेन दिस इज इन पेशेंट. अब हम इन द मॉडरेट टू सिवियर फेज ऑफ डिसीज में यूज करते हैं. तो सबसे कम सीरियस जो सिम्टम्स होते हैं ये सब क्लिनिकल या ऑलमोस्ट एसिम्टोमेटिक होते हैं. इन पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते और कई लोगों को अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के सिम्टम्स होते हैं, खांसी, गले में खराश, बुखार, हेडेक, कंजंक्टिवाइटिस. इनसे वायरस ट्रांसमिट होता है. तो दीज पेशेंट्स कैन बी मैनेज्ड एट होम बट दे शुड बी स्ट्रिक्टली आइसोलेटेड. सम विल हैव मोर सिवियर सिम्टम्स, फ्लू लाइक सिम्टम्स, बॉडी एक, फीवर्स विच आर परसिस्टेंट, सिवियर फटीग. और फिर जब हम ब्रोंकोनिमोनिया के सिम्टम्स आ जाते हैं तभी ब्रेथलेसनेस, हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीजिंग, ऑल ऑफ दैट हैपेंस. मेजोरिटी पीपल 80% में माइल्ड इलनेस होगा, 14% में मॉडरेट टू सिवियर इलनेस होता है, 5% क्रिटिकली इल पेशेंट्स होते हैं और अबाउट 1-2% में रिक्वायर मैकेनिकल वेंटिलेशन. तो अब हमने ये सभी डिस्कस किया है कि रमेश की कंडीशन वर्सन हो रही है, सैचुरेशन 80s में आ गया, हार्ट रेट फास्ट है, फीवर है, लेकिन हम सभी अग्री करते हैं कि उनके बेटे का जो रिक्वेस्ट था कि मेरे पिताजी के लिए सब कुछ करें, इसका मतलब ये है कि हमें ये सारा सब कुछ कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के बेसिस पे करना है उनके परफॉर्मेंस स्टेटस को देखते हुए. इसका मतलब ये है कि सन की दरख्वास्त है कि ही शुड नॉट सफर. यू वॉन्ट टू make sure he has the best symptom control. So we know now Ramesh is in a moderate stage of the disease. Hypoxia hai, respiratory rate fast hai, unhe breathlessness hai. X-ray mein bilateral lung infiltrates hai, unka D-dimer elevated hai, unke liver enzymes elevated hai. Aap apne senior colleague se baat karte hain. Aap kya poochna chahenge ki aap kya madad kar sakte hain unke liye. Ab ye dhyan mein rakhiye, oxygen level thoda kam hai, X-ray hai, humne oxygen shuru kiya hai. और क्या कंडीशंस हो सकते हैं जिसके साथ में आप उनकी ब्रेथलेसनेस की मदद कर पाए. ये ध्यान में रखते हुए रमेश इज समवन विद अ स्ट्रोक, बेड बाउंड, प्रीवियस कार्डियक कंडीशंस, आपको क्या लगता है और क्या हम कर सकते हैं उनके लिए? एक दो रिस्पॉन्सेस यहाँ पे इनवाइट करूंगी मैं. या आई आल्सो इनवाइट एवरीवन. जो भी नर्सेस है इस ग्रुप में, आप लोग सोच के कुछ क्वेश्चंस डालो, आप लोगों को जो भी पूछना है तो हम भी देखेंगे कैसे हम लोग उसको जवाब देना है करके. डॉक्टर दीपिका कह रही है नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट. मैनेजमेंट या तो डॉक्टर दीपिका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में एक दो और चीज आप बता पाएंगे हमें, शेयर करेंगे? और कोई भी शेयर करना चाहे कि नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हम क्या क्या तरकीबें यूज करते हैं कि सांस में तकलीफ कम हो जाए? वेल वेंटिलेटेड रूम, नीड टू एड्रेस द एंग्शियस, स्पेशली कम्युनिकेशन एंड मेडिकेशन. वेरी गुड. यस, सिपिंग वाटर ऑफन. या अपराइट, सिटिंग अपराइट. Diaphragmatic breathing can be used. बहुत बढ़िया. हाँ. अच्छा. तो हम देख रहे हैं कि using wet cloth on. Yeah. Yeah. Have a personal approach with the patient. So wonderful inputs from everyone. We will address the fact कि इस सब से पता चल रहा है कि आप सभी सोच रहे हैं कि किस वजह से breathlessness हो सकती है. There is this multifactorial approach to breathlessness which I see in the group, which is really wonderful.
Yeah, Dr. Rajini, you see now, and the even touch to patient, touching the patient. That's very even good. Touch to the patient. Yes. Yeah. You're wearing a PPE, you can reach out and touch the patient, and that will soothe the anxiety. So breathlessness in COVID has a complex pathophysiology. So it is based on physical or physiological, pathophysiological issues as well as other things. So ek to hoti hai vulnerability ki Mr. Ramesh hai advanced age ke, unko cardiac issues bhi hai, stroke bhi hai, bed bound hai. And to dusri baat ye hai ki unko kafi kuch dhyan mein aaya bhi hai ki log bolte hai na ki WhatsApp pe messages aate hai, news pe aate hai ki iska koi ilaaj nahi hai. मुझे क्या हो रहा है अब अकेले हो तो डॉक्टर संदीप ने कहा कि हम जाके उस पेशेंट को टच कर रहे हैं उससे रजनी मैम हेलो डॉक्टर रजनी आर यू देयर रजनी मैम वी लॉस्ट यू I'll just hello. Arun, and in the meanwhile, if we can just keep the discussion going, I'll just find out if she's going to be able to log. Yeah, in. Yeah. Anxiety can make take short breaths that can be managed with diaphragm. अच्छा ये जो आपने लिखा है is it Nandini? Yeah, we have to teach them also how to take a diaphragmatic breath. Because हम लोग ऐसे जैसे बोलने से नहीं होता है कोई कोई patients जो बिल्कुल गांव से आ रहे नहीं तो इतना पढ़ा लिखे नहीं है तो उनका हमको बता दिखाना भी पड़ेगा कि कैसे श्वास लेना है करके और एक बात और दूसरी बात यह है बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जब हम लोगों को श्वास का तकलीफ होता है थोड़ा सा बुखार वगैरह है ये जैसे यूजिंग वेट क्लोथ ऑन द फेस उसके अलावा है ना पंखा अगर पंखा है तो है ना पंखा का जो हवा है ना थोड़ा सा उनका मुंह की तरफ हम लोग मोड़ने से भी है ना वो भी अच्छा उनको सांस लेने में थोड़ा सा इजी हो जाता है उसके अलावा जैसे कि डॉक्टर राजश्री ने बोला बहुत सारे स्ट्रैटेजीज में कुछ लिमिटेशंस भी होता है जैसे कि जो भी पीपी में नहीं है अगर हमको पेशेंट को ऊपर हाथ रखना है आप लोगों को मालूम है बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस है प्रोटोकॉल्स है जैसे कि हम लोग जो भी कोविड पेशेंट्स है उनसे हम लोग कैसे पेशेंट के साथ हम लोग क्या करना है करके ठीक है वो जरूर हम लोग फॉलो करना है ये नहीं है कि पेशेंट बहुत मुश्किल में है कि हम लोग वो सब नहीं फॉलो नहीं कर रहे नहीं जो भी है हम लोग को फॉलो करना ही है उसके साथ साथ हम लोग दूसरे जी से भी देखना है कि पेशेंट को कैसे हम सिखाएं कि जो भी बात हो रहा है एंड अनदर थिंग देखो जैसे भी हम लोगों को जब सांस का बहुत तकलीफ होता है पेशेंट्स को बात करने में मुश्किल हो जाता है हेलो डॉक्टर रजनी इज बैक शी इज जस्ट जॉइनिंग बैक सिस्टर स्टेला we're sharing the slides from our side so that it doesn't get interrupted. Okay. Rajni is just coming back on. Sorry, please carry on. She's just joining. Yeah. And limitations में डॉक्टर राजश्री बताया कि फैन एब्लेशन आर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज व्हिच हैव लिमिटेशंस इन कोविड 19 वो भी बात है क्योंकि पेशेंट अगर अकेले कमरे में होते हैं तो हम लोग छोटा सा हैंड फैन दे सकता है लेकिन जब पेशेंट एक वार्ड में होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि हम लोग ये सब दे नहीं सकता है और भी बातें हैं कि नेबुलाइजेशन अभी नेबुलाइजेशन की देखो कोई भी हॉस्पिटल स्पेशली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेने से ओनली एक ही होगा नेबुलाइजर तो एक ही नेबुलाइजर में सभी पेशेंट्स को यूज करना ठीक नहीं रहता सो नेबुलाइजेशन हम यूज नहीं कर सकता है ऐसे वाला पेशेंट्स को तो जो भी आई वाज जस्ट सेइंग दैट यहां पे नर्सेस बहुत हैं तो अगर आप कोई ऑडियंस में से अगर किसी नर्सेस को एनी स्पेसिफिक सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स या एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं सिस्टर स्टेला है उनको बहुत एक्सपीरियंस शायद अगर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं तो वो भी कर सकते हैं रजनी अभी रीजॉइन करेंगी दो मिनट में या श्योर वही तो मैं पहले से बोल रहे हैं कि जो भी नर्सेस है अगर उन लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो पूछ सकता है
कि उन आप लोगों का नहीं है तो आप लोग सब ऐसे वार्ड में काम किया होगा, कुछ शेयर करने के लिए होगा, जो भी इंसिडेंट आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को चैट बॉक्स नहीं मिल रहे तो आप लोग बात भी कर सकते हैं, है कि नहीं डॉक्टर स्मृति? Yes, unmute and talk, na? Yes. No, they just can raise their hands and we can unmute them. Ji haan. Rajini joining? Yes, Chitra, she's just logging back on. She's having some technical problems with her internet. She's just logging back on. Okay. We can move to the next slide, and we had discussed beyond this. I think the breathlessness ke slide ke aage, next one. I think there are two slides further down. Next slide. Next slide. Yeah, right here. This is where we are. So, hum ye discuss kar rahe the ki breathlessness ko hum ek multifactorial way se address karenge. कि क्या क्या किया जा सकता है, और सिस्टर चाला ने सारे पूछा था कि और क्या चीजें हम सोच सकते हैं ब्रेथलेसनेस को हेल्प करने के लिए. तो क्योंकि वी हैव लॉस्ट सम टाइम, आई विल जस्ट गो अहेड एंड डिस्कस द मैनेजमेंट प्लान यहाँ पे. तो एक तो है कि COVID-19 का जो मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, जो हर स्टेट का एक गाइडलाइन दिया जाता है हॉस्पिटल्स के यूज के लिए, वो हम फॉलो करेंगे. And we will correct the correctable factors. तो breathlessness में ये सारे जो factors थे, एक तो था pathophysiology का, जहाँ पे हम देख रहे थे hypoxia के लिए हम oxygen दे सकते हैं, अगर bronchospasm है तो आप inhaler दे सकते हैं bronchodilator का, अगर patient hypoxic है COVID में तो यहाँ पे steroids का भी role आता है, अगर patient को cardiac issues है, volume overload है, तो यहाँ पे हम उनको डायूरेटिक्स भी दे सकते हैं. जब हम सारे पैथोफिजियोलॉजिकल फैक्टर्स को, एंग्जाइटी को, ये सारे चीजों को एड्रेस करते हैं, और इसके बावजूद वैसे नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स भी मेंशन किए गए थे कि पेशेंट को प्रॉप्ड अप पोजीशन दें, उनको डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के टेक्निक्स बताएं, तो अगर ये सारे चीजों के बावजूद पेशेंट को ब्रेथलेसनेस है तो इसे हम रिफ्रैक्टरी ब्रेथलेसनेस कहेंगे. यानी कि वो ब्रेथलेसनेस, वो सांस की तकलीफ जो दवाइयों के बावजूद, सारे हमारे कोशिशों के बावजूद इम्प्रूव नहीं हो रही. तो इस रिफ्रैक्टरी ब्रेथलेसनेस के लिए क्या कर सकते हैं वो अगले स्लाइड में हम देखते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अभी ये हमने बात की थी नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स के लिए, और पेशेंट वार्ड में हो या आईसीयू में हो, दोनों जगह पे हम ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेजर्स अपना सकते हैं और पेशेंट को रिलीफ पहुंचा सकते हैं. तो पोजिशनिंग की बात जो की थी कि एक प्रॉप्ड अप पोजिशन है, तो अगर पेशेंट को हम एक छोटे से जो फोल्डिंग टेबल्स होते हैं उस पे हम उनको अपने बाहों को रखकर थोड़ा फॉरवर्ड लीन करके अपना सर उस पे रेस्ट करें, तो उससे द डायफ्राम पोजिशन बिकम्स बेटर एंड दे कैन ब्रीथ बेटर. रिलैक्सेशन टेक्निक्स हम सिखा सकते हैं पेशेंट को, ब्रीदिंग टेक्निक्स जो होते हैं उनको स्लो इनहेल लॉन्ग एक्सहेल हम कई बार बोलते हैं, पर्स लिप ब्रीदिंग जैसे टेक्निक्स होते हैं. हम कहते हैं कि आप स्मेल द रोजेस एंड ब्लो आउट द कैंडल्स, यानी कि हम एक लंबा सांस खींचे नाक से और एकदम मुंह से छोड़ें धीरे से पर्स लिप्स के जरिए. कूलिंग द फेस, अ वेट क्लॉथ ऑन द फेस एंड यूजिंग हैंड हेल्ड फैन. तो इससे क्या होता है, इससे भी एक सिग्नल जाता है हमारे, हमने ये जो ब्रेथलेसनेस के जो पाथवेज हैं ये अभी रिसेंटली ही ज्यादा हमें समझा है कि एक ट्राइजेमिनल नर्व का जो पाथवे है उसकी वजह से भी अगर हम फेस, नोज एंड माउथ के एरिया को थोड़ा ठंडा करें और वहां पे हवा का एहसास दें तो द सब्जेक्टिव सेंसेशन ऑफ डिस्निया कम्स डाउन.
So Sister Stella, if there's any other inputs from the chat box that anybody would like to discuss? Not much. Only Dr. Sandeep had put, you mean cardiac table. So I said, yes, cardiac table. That's a bed table, what we see. Yes. Yes, yes, absolutely, absolutely. We'll go to the next slide then. So now, ab refractory breathlessness mein, iske saath mein humare paas aur bhi tools maujood hain. To humne non-pharmacological means ki baat ki, aur pharmacologically, ye humare paas aur medicines hain jo hum use kar sakte hain. To yahan pe mention kiya gaya hai ki morphine, midazolam and lorazepam. So I would like to ask, how many of you have used morphine for breathlessness? Dr. Raji keh rahi hai ki prone position. This is a very important thing, especially in COVID-19. We know that one of the issues in pathophysiology is the increasing patches, atelectasis of the lung. We ask the patient to sleep on their stomach if they are comfortable lying on their stomach, and this helps to improve the saturation and the breathlessness for some patients. If sleeping on the stomach is uncomfortable for some patients, then we ask them to be on the side and turn a little bit more towards the stomach, aur unko hum pillows ke zariye prop up bhi kar sakte hain. Ventilation mein, high flow nasal cannula mein, aur BiPAP, in tino ke saath mein bhi, jahan pe severe respiratory symptoms hain ya hypoxia zyada hai, wahan pe we try and maintain prone position for more than 12 to 16 hours per day. And we have to take care that the patient is comfortable in this position. Ye yaad rakha jaye, kyunki yahan pe hamara goal Mr. Ramesh ke saath mein comfort and management of symptoms hai. To Dr. Sandeep keh rahe hain morphine ke bare mein, unhone use kiya hai morphine. Zyadatar hum logo ne morphine use kiya hai pain relief ke liye. People have used morphine. People are familiar with the use of morphine in heart failure, cardiac conditions mein. Lekin morphine ek bahut hi important medication hai. For breathlessness support, because morphine actually causes some amount, it actually acts in terms of being able to help you decrease the respiratory rate, prolong your expiration. It also has an effect on pulmonary vasodilation. So isse hamara jo ventilation perfusion mismatch jo ho raha hai uske zariye, because of the pulmonary vasodilation ka effect jo halka sa hota hai morphine ka, isse we are actually able to improve the oxygenation of the patient. Kai log sochte hain ki morphine ke wajah se respiratory depression or respiratory failure worse hone ki chances hain aur darte hain iske use se. To lekin kafi studies hain which show us that ye jo small doses hum use karte hain morphine ke breathlessness ke liye, इनसे हमें कोई खतरा नहीं है. मॉर्फिन से वर्क ऑफ ब्रीदिंग भी कम हो जाता है. तो ये पेशेंट के एक्चुअली ओवरऑल इट हेल्प्स देम, सिंस इट हेल्प्स अस टू स्लो डाउन द रेस्पिरेटरी रेट एंड दे आर एबल टू ब्रीद मोर एफिशिएंटली एंड इम्प्रूव देयर ऑक्सीजन. तो ये ना ही अक्यूट रिफ्रैक्टरी ब्रेथलेसनेस में, लेकिन क्रॉनिक रिफ्रैक्टरी ब्रेथलेसनेस में भी हम आउट पेशेंट बेसिस पे भी लो डोज मॉर्फिन पेशेंट्स विद सीओपीडी और आईएलडी में यूज करते हैं. इसके साथ साथ में हम मेडाजोलाम या लोराजेपम भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि एंग्जाइटी इज अ ह्यूज कंपोनेंट ऑफ ब्रेथलेसनेस एज वेल. तो इसके जरिए भी सिमिलर एक्शंस के साथ में ब्रेथलेसनेस का जो सिम्टम है वो कंट्रोल में लाया जा सकता है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अब हम देखेंगे कि क्या एल्गोरिदम्स है. ये आपके टूल किट में पेज 14 पे है. तो पेशेंट अगर आईसीयू में हो तो पोजिशनिंग, मेडिकेशन सारे बताए गए हैं. वार्ड में भी नॉन फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मींस बताए गए हैं. तो आप अगर इस एल्गोरिदम पे गौर करें, आपके जो ईबुक है उसमें आपको ये नोटिस करने को मिलेगा कि वार्ड में और आईसीयू में दोनों सेम तक टेक्निक्स यूज किए गए हैं. इसका मतलब है पेशेंट अगर और सिक हो रहा है, सीवियर इलनेस हो रहा है, लेकिन अगर हमारा गोल इंट्यूबेशन, वेंटिलेशन, क्रिटिकल केयर नहीं है, तो ये सारे रिलीफ मेजर्स जो आईसीयू में होते हैं वो वार्ड में भी कर सकते हैं. Any other points coming in the discussion? Yeah. Do you use subcutaneous route for administration of drugs, sir? This one, Dr. Rajasri was asking about that. Morphine reduces work of breathing too, but anybody is using subcutaneous route for administration of the drugs in the group? And another was, patient saturation is 95% and feeling breathless, anxiety, then what we will do?
a normal value of saturation for COVID-19 patient. तो यहाँ पे तो एक रोहित जी, यहाँ पे पेशेंट का सैचुरेशन ठीक है और उनका सिम्टम जो ओवरटली एक्सप्रेस किया जा रहा है वो ब्रेथलेसनेस है, लेकिन आपने बहुत सही पकड़ा कि एंजाइटी मेन इश्यू है यहाँ पे. तो यहाँ पे आप एंटी एंजाइटी मेडिकेशन यूज कर सकते हैं. आप चाहें तो यहाँ पे मिडाजोलाम या लोरेज़ेपैम जो लो डोज का जैसे बताया गया था वो भी यूज कर सकते हैं. पहले आप नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन जरूर ट्राई कीजिएगा, पेशेंट से बात करना, उनको समझाना कि देखिए आपका ऑक्सीजन ठीक है, हम आपके साथ में हैं, आप अकेले नहीं है. नॉन फार्माकोलॉजिकल मीन्स काम ना करें तो आप जरूर फार्माकोलॉजिकल मीन्स यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो मिस्टर रमेश का कंडीशन इन सब मेजर्स के साथ में स्टेबलाइज हो जाता है. एक दिन के लिए वो ठीक रहते हैं, लेकिन अगले दिन स्टाफ नोटिस करती है कि वो बहुत एजिटेटेड हो गए हैं, वो बेचैन हो गए हैं, वो बड़बड़ा रहे हैं, वो अपना ऑक्सीजन मास्क खींचने की जरूरत कर रहे हैं. जो नर्स उनकी देखभाल कर रही है उनको लगता है कि रमेश जी डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं, बहुत बेचैन है, बात नहीं मान रहे जो नर्स उनको समझाने की कोशिश कर रही है. तो ये क्या हो रहा है, नया सिम्टम क्या हो रहा है, आप में से कोई बताना चाहेगा कि आप इसके लिए क्या करेंगे? आपको क्या लगता है क्या हो रहा है मिस्टर रमेश के साथ? या डेलीरियम. सही सही कहा, डेलीरियम हो रहा है मिस्टर रमेश को. ही इज गेटिंग एजिटेटेड, ही इज गेटिंग डेलीरियस, सेपरेशन एंग्जायटी. वाह वाह, यस. एक और बात हमने डिस्कस नहीं की थी, लेकिन शायद ऐसा भी हो सकता है कि मिस्टर रमेश को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम लैंग्वेज के वजह से हो. तो अगर वो अपनी तकलीफ नर्स को, डॉक्टर को, स्टाफ को बता नहीं पा रहा तो ही कैन गेट एजिटेटेड विद दैट. और क्या हो सकता है, हमने मॉर्फिन शुरू किया है उनके लिए, दो दिन पहले से हमने मॉर्फिन शुरू किया है, थोड़ा सा मिडाजोलाम शुरू किया है, और किस वजह से उनको ये तकलीफ हो सकती है? कोई कहना चाहेगा, कोई और आइडियाज है आपके पास? नौशिया. तो अगला स्लाइड हम देखते हैं नौशिया. यस, वेरी इंपॉर्टेंट. मॉर्फिन के वजह से कभी कभी नौशिया भी हो सकता है, तो बेचैनी सी फीलिंग आ सकती है. वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कैन वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? या तो बहुत सारे जगह से रिपोर्ट्स आई हैं कि ये पूरे जितने भी देश अफेक्ट हुए हैं, आजकल के जमाने में सब लोग कनेक्टेड हैं, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के, और बहुत लोग कह रहे हैं कि एक हाइपो और हाइपर एक्टिव डिलीरियम दोनों देखा जा रहा है कोविड के साथ में. कई बार में इसके बारे में ये भी कहा गया था कि एक माइल्ड एन्सेफेलाइटिस काइंड ऑफ थिंग या वैस्कुलाइटिस के वजह से भी ये न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हो, लेकिन और भी कारण हो सकते हैं. और स्पेशली एल्डरली जिनके कोमोर्बिडिटीज हैं उनमें हाइपो एंड हाइपर एक्टिव डिलीरियम कोविड नजर आ रहा है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो कोविड जो ओल्डर पेशेंट में है उसमें ये सारे चीजें हमें ध्यान में रखना चाहिए कि क्या क्या हो सकता है. इनमें ये सारे एडिटिव प्रॉब्लम्स हो सकते हैं कोविड के पेशेंट में, कि हमें वॉच आउट करना है कि उन्हें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी हो सकते हैं, वो बहुत फ्रेल हो सकते हैं, तो उसके वजह से उनको और तकलीफें हो सकती हैं, उनको कम्युनिकेशन में तकलीफें हो सकती हैं, मैनेजमेंट में ये सारे चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी हो जाता है. और पहले से ही जब वो एडमिट होते हैं कि ये डिसाइड कर लेना चाहिए कि अगर कंडीशन बेहतर हो जाए तो हम क्या करेंगे, तो ट्रीटमेंट का एस्केलेशन प्लान पहले से हमने डिसाइड कर लेना चाहिए. ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए कि एल्डरली पेशेंट का प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, उनमें कंफ्यूजन हो सकता है ज्यादा, उनमें डिलीरियम हो सकता है, हम तरीके से देखें उनको, मैनेजमेंट केयरफुली करें कि ड्रग्स का इनके फैमिली के साथ में, और ये सारे प्लान्स हम पहले ही कर लें तो अच्छा होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. आपके टूल किट में आपको एक डिलीरियम का असेसमेंट का भी एक फॉर्मेट मिलेगा, जो हम काफी आसानी से बेडसाइड पे हम एडमिनिस्टर कर
कर सकते हैं पेशेंट को पूछें कि उनकी उम्र कितनी है, उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, ऐसे क्वेश्चंस पूछ के, और उनको थोड़े सवाल ताकि हम पता कर पाए कि उनके हायर कॉग्निटिव फंक्शंस जो है, हायर मेंटल फंक्शंस वो ठीक तरह से चल रहे हैं कि नहीं, और वैसे कोई अगर चेंज हो रहा है उनका अलर्टनेस में, तो ये स्कोर हम देख के वेबसाइट पे असेस कर सकते हैं कि क्या ये ट्रांजिएंट चीज है या पेशेंट डिलीरियस हो रहा है, क्या हो रहा है, और इसके हिसाब से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं. तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो जैसे हमने ब्रेथलेसनेस को असेस किया कि उसके कितने फैक्टर्स हो सकते हैं, वैसे एजिटेशन और डिलीरियम को भी हम उसी तरीके से एड्रेस करेंगे कि क्या ये एजिटेशन डिलीरियम जो रमेश जी की बेचैनी है, वो अपना मास्क खींचने की कोशिश कर रहे हैं, बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उन्हें दर्द हो रहा है, क्या उन्हें नौजिया हो रहा है, क्या उन्हें यूरिनरी रिटेंशन या कॉन्स्टिपेशन है. याद कीजिएगा हमने मॉर्फिन दिया था और बुजुर्गों में उसके वजह से कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है. क्या वो पहले से कोई दवाइयां ले रहे थे जिसका विड्रॉल हो रहा है उन्हें, क्या वो नींद की दवाई पहले ले रहे थे जो हम उनको नहीं दे रहे हैं अभी, या ऐसा कोई ड्रग इंटरेक्शन हो रहा है जिससे किसी मेडिकेशन का असर ज्यादा हो रहा हो. तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हुए असेस करेंगे कि किस वजह से उनको एजिटेशन और डिलीरियम हो रहा है, क्यों वो बात नहीं मान रहे, बड़बड़ा रहे हैं और मास्क खींचने की कोशिश कर रहे हैं. और ये सारे चीजों को जब हमने फिक्स कर लिया और हम फिर भी पाते हैं कि मिस्टर रमेश अभी भी ठीक नहीं है, अभी भी बेचैन है, तो हमारे पास और मेडिसिन है जिसके साथ में हम वो हेल्प कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो यहाँ पे आपको एक दिखाई देगा आपके ईबुक में एक एल्गोरिदम की एजिटेशन और डिलीरियम को हम कैसे ट्रीट करें, कि जो पेशेंट एजिटेटेड है और डिसओरिएंटेड है उसके लिए क्या अप्रोच रहेगा, और जो पेशेंट एजिटेटेड है और ओरिएंटेड है जिसमें केवल एंग्जाइटी और डर है, जैसे रोहित जी ने पहले कहा था कि सैचुरेशन वगैरह सब ठीक है लेकिन पेशेंट एंग्शियस है, तो उनके लिए क्या किया जाए. तो जो डिसओरिएंटेड है और एजिटेटेड है उनके लिए हम हैलोपेरिडॉल यूज कर सकते हैं, ये स्लो आईवी या सबक्यूटेनियस रूट के साथ में यूज कर सकते हैं, और इसे रिपीट किया कर सकते हैं हम इंटरवल्स में, ताकि हम डिजायर्ड इफेक्ट जो है कि वो काम हो जाए. हमें ये नहीं चाहिए, हमें बस इतना चाहिए कि उनके सिम्टम्स कम हो जाए और वो रिलैक्स कर पाए, अपने आराम से ऑक्सीजन लगा के रिलैक्स कर पाए. ऐसा नहीं चाहिए कि बहुत ज्यादा भी सेडेशन हो जाए, बस इनफ कि उनका एजिटेशन और डिलीरियम कंट्रोल में आ जाए. और अगर वो एजिटेटेड है और ओरिएंटेड है तो यहाँ पे हम एंग्जियोलाइटिक्स प्रेफर करेंगे. तो या तो आप हैलोपेरिडॉल देंगे डिसओरिएंटेड और एजिटेटेड पेशेंट में, या तो हम एंग्जियोलिटिक यूज कर सकते हैं. और अगर ये सिम्टम्स कंटिन्यू होते हैं तो फिर आप ये मेडिकेशंस एक कंटिन्यूअस रूट में भी दे सकते हैं अगर जरूरत पड़े तो, एज इट बिकम्स मोर इंट्रैक्टेबल और सिवियर. तो मैं एक्चुअली यहाँ पे रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर स्टेला को, सिस्टर स्टेला इफ यू कैन जस्ट एडवाइज एवरीबॉडी ऑन द यूज ऑफ सबक्यूटेनियस इन्फ्यूजन. ये पैलिएटिव केयर में एक और अच्छी बात होती है कि हम मेडिकेशंस को कंबाइन भी कर सकते हैं सेफली. तो अगर आईवी ना मिल पाए तो सबक्यूटेनियस रूट काफी लोग फेमिलियर नहीं होते, लेकिन ये भी यूज कर सकते हैं, और कई दवाइयों को हम साथ में सेफली एक ही सिरिंज पंप में मिक्स करके भी यूज कर सकते हैं. तो आई विल इनवाइट सिस्टर स्टेला टू शेयर हर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ऑन दिस इफ वी कैन टॉक अबाउट इट फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स. सिस्टर स्टेला. या सबक्यूटेनियस सब लोग यूज करता होगा सबक्यूटेनियस, हम लोगों को मालूम भी है सबक्यूटेनियस, स्पेशली इंसुलिन हम लोग सबक्यूटेनियस ही देता है. राइट. तो जो भी पेशेंट्स को आईवी नहीं मिलता है सबक्यूटेनियस इज ए वेरी गुड रूट. और पैलिएटिव में हम लोग सबसे ज्यादा सबक्यूटेनियस ही रूट यूज करते हैं, क्योंकि जो भी पेशेंट्स हमारे पास आ जाएगा तब तक तो उनका कोई भी आईवी लाइन मिलना ही मुश्किल हो जाता है बिकॉज ऑफ द कीमोथेरेपी और कंटिन्यूस हॉस्पिटलाइजेशन. तो सबक्यू कहां पर हम लोग यूज कर सकते हैं, टू थ्री प्लेसेस आर द जो अच्छा है हम लोगों को सबक्यू डालने के लिए. और इतना भी हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हम लोग डालता है ना, इट्स वेरी इजी फॉर द पेशेंट्स आल्सो, ज्यादा पेशेंट्स को भी प्रॉब्लम नहीं रहता. जैसे कि हम लोग अपर आर्म में हम लोग जैसे इंसुलिन देता है, दैट्स वन प्लेस. सेकेंड हमारा चेस्ट, अपर चेस्ट में हम लोग सबक्यूटेनियस स्कैल्प सेट हम डालकर रख सकता है, बटरफ्लाई व्हाट वी से, बिकॉज दैट्स द सेफेस्ट प्लेस सो दैट द पेशेंट्स वोंट हैव एनी प्रॉब्लम व्हाइल मूविंग एंड ऑल.
ओके एंड ये भी है कि हम आप लोगों को सबको सिरिंज पंप के बारे में मालूम होगा, छोटा सिरिंज पंप हम लोग यूज करते हैं ना. सो सिरिंज पंप में हम लोग मेडिसिन एक साथ डाइल्यूट करके उसमें अटैच करके हम लोग वैसे भी दे सकता है जो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड है. तो पैलिएटिव के अलावा लोग बहुत डरता है कि सबक्यूटेनियस देने के लिए, लेकिन सबक्यूटेनियस इजी रूट हो जाता है. सो पेशेंट्स जो भी अभी हम लोगों का ऐसे भी है कि जो पेशेंट्स घर जाता है वी कीप द सबक्यूटेनियस रूट, तो उन लोग है ना लोड करके देते हैं, दे गिव द इंजेक्शंस एट होम इटसेल्फ. तो जो पेशेंट्स को आईवी नहीं मिलता है इट्स बेटर टू गो फॉर ए सबक्यूटेनियस रूट. एंड नर्सेस तो अच्छा जरूर जानता होगा कैसे सबक्यूटेनियस डालता है करके. सो विद बटरफ्लाई इट इज वेरी इजी आल्सो टू गिव ए सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस. एनीथिंग एल्स डॉक्टर रजनी? हेलो, दैट वाज द मेन थिंग कि लोगों को क्वेश्चंस आए कि व्हेन आईवी एक्सेस इज देयर देन स्टिल सब. हम सोच रहे हैं कि ये सारे मेडिसिन हम कैसे डिलीवर करें. नहीं, आईवी एक्सेस इज देयर तो ठीक है, अगर पेशेंट्स को ऑलरेडी आईवी लाइन है फिर आप लोगों को सबक्यूटेनियस देने की जरूरत नहीं है. मैं ये बोला कि जब आईवी एक्सेस मुश्किल हो जाता है तब हम लोगों को सबक्यूटेनियस देना ठीक लगता है. Can I say something? Thank you so much, Sister Stella. Yes, please. I think, Rajini, I just want to say one thing. Like, it is not, I mean, I don't think the only indication for subcutaneous is when IV access is not available. I think we have to use our clinical discretion to decide what is useful for him or what is appropriate for him at that point of time. Because, Yes. Because even if IV access very important, Dr. Chitra. Thank you so much for bringing that up. Yes. Yeah. Because even if IV access is available, I think if you feel that subcutaneous is more suitable for him for, continuous infusion, I would go for subcutaneous for a frail person, you know, and not poke him again and again, even if I could get an IV. Okay? Yeah. हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट डॉक्टर चित्रा ने रेज किया है कि ये हम गोल्स ऑफ केयर के ऊपर और पेशेंट के सिचुएशन के ऊपर ये ध्यान देते हुए डिसीजन लेना चाहिए कि हमारा कंटिन्यूअस मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आईवी होगा या सबक्यूट होगा, और पेशेंट को कम से कम तकलीफ के साथ में एक ही पोक में हम कितने देर तक सस्टेन कर पाए उनका जो सिम्टम रिलीफ है, ये ध्यान में रखना जरूरी है. कई बार हम सबक्यूटेनियस रूट तभी भी यूज करते हैं, कोविड के सिचुएशन में तो हम घर भेजना मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई पेशेंट्स को हम ये इन इन्फ्यूजन्स और मेडिसिंस के साथ में घर भी भेजते हैं दूसरे कंडीशंस में, कोविड नहीं लेकिन दूसरे कंडीशंस में, और फैमिली के मेंटेनेंस के लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाता है. तो ये भी ध्यान में रखते हुए कि कितनी देर तक हमें ये मेडिसिन मेंटेन करना है और कौन सा हम इजीली मेंटेन कर पाए, ये ध्यान में रखना जरूरी होगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो अभी वी वर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट लाइक मेजर सिम्टम्स लाइक ब्रेथलेसनेस, एजिटेशन एंड डिलीरियम, एंड देन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिम्टम्स विच वी शुड नेवर एवर इग्नोर इज पेन. एंड पेन तो काफी मेथड्स हैं उसके साथ एड्रेस करने के लिए. उसको हम पहले ग्रेड करेंगे, आप भी जानते होंगे कि हम पेन को पेन स्केल के साथ में कैसे हम ग्रेड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सिवियर, और उसको ध्यान में रखते हुए हम अलग अलग मेडिकेशंस यूज कर सकते हैं पेशेंट के लिए कि उनको पेन रिलीफ मिल पाए. मे आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ओके, कैन यू गो बैक टू द प्रीवियस स्लाइड, आई एम सॉरी. तो जब पेन माइल्ड है तो यहाँ पे हम पैरासिटामोल यूज कर सकते हैं, जब मॉडरेट पेन हो तो हम हायर लेवल एनाल्जेसिक्स यूज कर सकते हैं, ट्रामेडोल यूज कर सकते हैं, मॉर्फिन भी यूज किया जा सकता है सिवियर पेन के लिए. और एनएसएआईडीज तो पहले कहा गया था कि अवॉइड करेंगे इन द अर्ली स्टेजेस, घर पे यूज करने के लिए पेशेंट्स को बोला गया था कि अवॉइड कीजिएगा, लेकिन अगर यहाँ पे हमारा गोल है कि पेशेंट मॉडरेटली सिक है और हमारा मेन गोल ये है कि पेन रिलीफ हो जाए, तो आप कई सिलेक्टेड केसेस में एनएसएआईडीज भी यूज कर सकते हैं. May I go to the next slide, please? उसको पढ़ा आपने? उसके
और चीज मैं ध्यान में आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यहाँ पे पेशेंट का पोजीशन जो होता है इससे भी ध्यान रखना जरूरी है. कई बार वी हैव टू ऑल्सो चेक एंड सी कि जो पोजीशन पेशेंट जिस पोजीशन में लेटे हैं बैठे हैं क्या हम किसी तरह से उनको इस पोजीशन पे ध्यान रखते हुए उनका पेन डिस्कम्फर्ट थोड़ा ईज कर पाए. Hello, we lost you. Rajini ma'am. So nursing. Rajini ma'am, your voice is breaking, ma'am. आ जाते हैं कि पाइप ट्यूब से कहीं प्रेशर उसको यस योर वॉइस इज ब्रेकिंग मैम कैन यू रिपीट इट अगेन यस आई अपोलोजाइज अगेन फॉर द अनस्टेबल कनेक्शन. आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? हाँ मैडम अभी सुन सकते हैं. अच्छा थैंक यू. तो हम बात कर रहे थे एसेंशियल मेडिकेशंस के. तो आपके जो ईबुक में एसेंशियल मेडिकेशंस का लिस्ट है और इस लिस्ट में आपको नजर में आएगा बहुत सारे मेडिकेशंस जो आप ये कर सकते हैं नोट कर सकते हैं. इसमें आपको कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस मिलेंगे सिम्टम कंट्रोल के लिए. तो इसमें आपको मिलेंगे सिम्टम कंट्रोल एंग्जाइटी एजिटेशन डिलीरियम के मेडिसिंस पेन रिलीफ के मेडिकेशंस आपको यहाँ पे नजर आएंगे. आपको नजर आएंगे मेडिकेशंस जो हम यूज करते हैं सिक्रीशंस के लिए. कई बार पेशेंट्स को सिक्रीशन ज्यादा होने के वजह से तकलीफ होती है. तो ये आप नोट कीजिएगा क्या क्या दवाइयां आपके पास में है आपके फॉर्मुलरी में आपके हॉस्पिटल में. जरूर कुछ ना कुछ होगा. ऐसा हो भी सकता है कि कई बार कई मेडिकेशंस मॉर्फिन और फेंटेनिल में से कौन सा आपके पास में मौजूद है आपके फॉर्मुलरी में. आप उसके हिसाब से यूज कर सकते हैं आपके सेंटर में जो मेडिकेशंस आपके पास अवेलेबल है. या तो आपको अगर मदद चाहिए इनको एक्सेस करने के लिए अगर आपको ओपियोइड्स एक्सेस करने में तकलीफ हो रही है तो फिर आप पैलियम टीम को फिर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पैली कोविड टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ताकि आपको इन मेडिकेशंस को एक्सेस करने के तरीके भी पता चल जाए. तो ये एक इम्पोर्टेंट लिस्ट होगी. मे आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. कैन आई हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. यस तो आप यहाँ पे देखेंगे और मेडिकेशंस विच आर आयोसिन एंड देयर इज ग्लाइकोपाइरोलेट दैट वी कैन यूज. आप अपने आप को फेमिलियर कर लीजिएगा. यहाँ पे जो लिस्ट में आप देखेंगे कई मेडिकेशंस बोल्ड में हैं. ये ज्यादा कॉमनली यूज्ड मेडिकेशंस हैं. तो इट इज गुड इफ वी फेमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द मेडिकेशंस दैट वी हैव अवेलेबल एंड द डोजेस इन विच वी यूज. और ये ध्यान में रखेंगे कि पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में भी ये सारी दवाइयां यूज की जाती हैं लेकिन उनके डोजेस अकॉर्डिंग बच्चों के वजन के हिसाब से पैलिएशन सिम्टम कंट्रोल के लिए यूज करते हैं. तो इनके डोजेस उस पर्पस के लिए उस गोल के लिए हम टाइट्रेट करते हैं. तो जो डोज हम मॉर्फिन का ब्रेथलेसनेस के लिए यूज करते हैं उससे ज्यादा डोज हमें पेन रिलीफ के लिए यूज करना पड़ता है. तो किस चीज के लिए आप यूज कर रहे हैं किस सिम्टम के लिए यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से आप डोजेस प्रिस्क्राइब कीजिएगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. तो टू समराइज वी नीड टू रिकॉग्नाइज कि सिम्टम्स काफी कुछ हो सकते हैं कोविड के. तो हमने देखा कि जो फिजिकल सिम्टम्स हम कॉमनली देखते हैं विच आर ब्रेथलेसनेस एजिटेशन डिलीरियम पेन अदर सिम्टम्स आर रिलेटेड टू सिक्रीशंस अदर सिम्टम्स आर रिलेटेड टू बीइंग बेड बाउंड एंग्जाइटी आइसोलेशन ये सारे जो चीजें हैं इन सभी को हम रिकॉग्नाइज करें और एड्रेस करें.
पेशेंट्स जिनके लिए हम अग्रेसिव इंटरवेंशंस नहीं यूज करने वाले हैं या आईसीयू नहीं भेजने वाले हैं तो और वो बदतर हो रहे हैं, उनका क्लिनिकल कंडीशन वर्स हो रहा है, इनमें तो जरूर ध्यान देना चाहिए कि हमें उनका पूरा सिम्टम्स जो है, सारे सिम्टम्स जो है वो एड्रेस करने चाहिए. डिलीरियम को असेस करना जरूरी है. जो फिक्सिबल है उसे फिक्स करें. हमेशा ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि अगर पैलिएटिव केयर का पेशेंट है तो कई बार ये होता है कि हाँ इस पेशेंट के लिए तो पैलिएटिव केयर है तो बस हम किसी तरह से सप्रेस हो जाए ना, कि कई बार क्या हो जाता है हम एस्केलेट कर देते हैं जो सेडेटिव एनाल्जेसिक्स के डोजेस. लेकिन अगर कुछ करेक्टेबल कॉज है तो उसे जरूर करेक्ट करना चाहिए. तो डिटेल असेसमेंट की हर क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इन सिम्टम्स के पीछे और उसको ध्यान में रखते हुए हमें एड्रेस करना चाहिए ब्रेथलेसनेस को या एंग्जाइटी को या एजिटेशन को. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. ये सारे जो रिसोर्सेस आपको मिले हैं, बहुत सारे और रिसोर्सेस वेबसाइट्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं. मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी जो कोर टीम थी पाली कोविड केरला की, जिन्होंने ये सारे मटेरियल्स, जो लर्निंग मटेरियल्स जिनसे हम सभी ने सीखा है और जो हम आपके साथ में शेयर किए हैं, इसको पूरा कोलेट किया है. ये दुनिया में शायद सबसे बड़ा एफर्ट रहा है कि पैलिएटिव केयर के प्रिंसिपल्स और टूल्स पूरी देश में सबको हम सबके साथ हम शेयर कर पाए. तो आप जरूर इसका फायदा उठाइएगा, इसको यूज कीजिएगा आपके ई बुक को और आपके जो वेबिनार्स हैं. अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो डिटेल्ड वेबिनार्स इन सारे सब्जेक्ट के लॉन्गर विद मोर इन्फॉर्मेशन एंड मोर डिटेल विल बी अवेलेबल. तो आई वुड एनकरेज ऑल ऑफ यू टू रिव्यू वट एवर वी आर डिस्कसिंग इस हफ्ते में, वो पूरे वेबिनार्स को भी देखिएगा जरूर. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. दिस इज मोर ऑफ द सिमिलर रिसोर्सेज. यस एंड नेक्स्ट स्लाइड. एंड एज आई सेड, ये कोर टीम है जिन्होंने साथ में मिलके ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया है, ये रिसोर्सेस हमारे लिए पेश किए हैं बहुत ही अच्छी तरीके से. और आज के जो प्रेजेंटेशन और स्लाइड थे वो डॉक्टर सुनीता डैनियल ने कोलेट किए थे और फॉर्मेट किए थे. तो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम एंड वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ दिस एंडेवर. और मुझे आशा है कि आप सभी को इससे जरूर कुछ फायदा मिला होगा, आपको कुछ टिप्स मिले होंगे कि आप अपने पेशेंट्स की मदद कैसे कर सकते हैं, सिम्टम रिलीफ कैसे कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. थैंक यू वेरी मच. एंड वी नाउ हैव अबाउट 5-10 मिनट्स फॉर डिस्कशन. कल के दिन हम कम्युनिकेशन डिस्कस करने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, हमारे कोविड पैंडेमिक में, जहाँ पे और भी चैलेंजेस हैं. और मिस्टर रमेश और उनके फैमिली के साथ में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस हमने ऑलरेडी नोटिस किए हैं. तो इसे हम सबसे एम्पैथेटिक कंपैशनेट टेक्निक के साथ में कैसे हम कर पाए, और साथ में साथ इसके साथ साथ हम डॉक्टर्स और नर्सेस और पूरी जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनके लिए भी कैसे ध्यान उन पे भी ध्यान रखते हुए कैसे हम कम्युनिकेट करें, ये सारे तरकीबें हम कल देखने वाले हैं कम्युनिकेशन में. तो एक दो मिनट हम चर्चा करते हैं कि आज के सेशन में आपके 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 दिमाग में कोई क्वेश्चंस हो जो हम एड्रेस कर पाए, या आपने कुछ नया देखा, सोचा, सीखा जो आप यूज करना चाहेंगे, आपको लगता है आपके फायदे में आया, तो बहुत अच्छा होगा अगर आप एक दो चीज शेयर करना चाहेंगे तो. सिस्टर स्टेला, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे, एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो शायद हेल्पफुल हो सभी को नोटिस करने के लिए सिम्टम रिलीफ में? Sister Stella, we can't hear you. Hear me? Yes, we can hear you. This one, see, we have usual pressure points are there.
which usually all the nurses know, where are, which are the pressure points. Other than the points, especially when patients are in with the mask, otherwise with the N95, patients in the ventilator, with the nasal tubes and all, these are the areas where we have to see. Small pressure ulcers can develop over there. So the nurses has to see these points also. Because we are, see, now even the nurses who are wearing N95 masks have come up with ulcers on their face. Because keeping all 24 hours, the mask is on their face. Even for 2 to 3 hours they keep, we will have pressure ulcers. So here the nurses have to be see to these things, because they are the ones who are the, going to be with the patients. But 24 ghanta nurses hi patients ke saath rehta hai. So unko dekhna padega ki patients ko kahan par ulcers aa raha hai. वो अल्सर्स के साथ सिर्फ वो बात नहीं है कि कभी भी पेशेंट बताता है कि मेरे को यहाँ पर दर्द हो रहा है. अगर एक पेशेंट राइल्स ट्यूब में है और पेशेंट का राइल्स ट्यूब में रहते हुए अगर पेशेंट को दर्द होता है, तो हम लोग उसी टाइम देखना चाहिए कि पेशेंट को वहां पर कहीं अल्सर तो हुआ नहीं है, क्योंकि वो शायद हम लोग को चेंज करना पड़ेगा जहां पर हम लोग ने मोड़ के वहां पर रखा है. तो ऐसे कोई चीज पॉइंट हम लोग को पेशेंट के साथ बात करना पड़ता है. और जो पेशेंट्स इन द वेंटिलेटर, ऑफ कोर्स दे आर नॉट गोइंग टू टॉक टू यू. सो वेंटिलेटर्स का पेशेंट, इट इज द नर्सेस रिस्पांसिबिलिटी कि एवरी शिफ्ट पेशेंट को देखना है कि पेशेंट्स का क्या प्रॉब्लम होता है. पेशेंट को एक साइड में हम लोग लिटाने के टाइम देखना है प्रेशर पॉइंट्स. पेशेंट्स को अगर हम लोग स्पंज बाथ दे रहे, अगर आइस कुछ दे रहे, तो वो भी देखना पड़ता है. पेशेंट्स को कोई प्रॉब्लम है तो दैट ऑल कम्स अंडर द नर्सेस रिस्पांसिबिलिटी. थैंक यू सो मच सिस्टर स्टेला. आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रेज किए हैं कि हम हर शिफ्ट में, हर टाइम जब पेशेंट के बेड साइड पे जाते हैं, तो हम ध्यान दें कि कौन सी छोटे छोटे चीजों से पेशेंट को तकलीफ हो सकती है और कौन से छोटे एडजस्टमेंट्स के साथ में हम उनको रिलीफ भी पहुंचा सकते हैं. चित्रा मैडम पूछ रही हैं कि आप में से कोई शेयर कर सकते हैं एक दो इम्पोर्टेंट मैसेजेस जो आप अपने साथ ले जा रहे हैं, हमें भी प्रोत्साहन मिले अगर आप एक दो चीजें शेयर कर लें, और उसके साथ में वो आपने मुझे बताएं कि आपको क्या अच्छा लगा, आप जो नहीं कर रहे थे जो आप करना चाहेंगे, या आपको सबसे इम्पोर्टेंट क्या लगा, या आपका कोई पर्सनल प्रैक्टिस है जो आपको लगता है कि सिम्टम कंट्रोल में हमें हेल्प करेगा, हमारे पेशेंट्स को हेल्प करेगा, जो आप शेयर करना चाहेंगे, तो कोई शेयर करना चाहेगा? Yeah, use of ketamine in COVID, Dr. Sandeep is asking. Dr. Sandeep, use of ketamine in COVID, I have seen it, I have not really seen it much used in, except in ICU context. Agar aap kuch share karna chahein, to hum aapko unmute karke aap bata sakte hain. Because yahan pe hum keval symptom control ke level pe dekh rahe the. Aur I'm wondering about the advantages of that over either of the opioids or benzodiazepines. Dr. Deepika, yes, Dr. Sandeep. Yeah, thanks for letting me share. In terms, as we know, ketamines helps us in bronchodilatory effect also. And obviously, there is a most of lung pathology going on. And the apprehension and the difficulty of the respiratory drive is there. And we are trying all in non-invasive ventilation. So as part of, to give him a very low dose of 0.5 milligram per kg as against the 4 to 5, which we use as a, in terms of advanced airway, I would be trying, I haven't done as yet, and so I just wanted your experience in that context. And though it has obviously dissociative anesthesia also, but a sedative and bronchodilatory effect, and little bit the pressure support also it gives. So would that be okay in your, any of the participants attending or the... So I can only share that in terms, I have not used ketamine in the context of COVID, but I don't see why it cannot be. Considering that we are only aiming at symptom control over here, as long as we maintain all the other
मैनेजमेंट फॉर कोविड प्रोटोकॉल्स इन प्लेस. वैसे कहा जाए तो मुझे वो ब्रोंको डायलेशन का जो इफेक्ट है इतना बड़ा एडवांटेज नजर नहीं आ रहा है कंपेयर टू मोर इजीली अवेलेबल मेडिकेशंस. दूसरी बात ये होती है कि आपको अपने इंस्टीट्यूशन में देखना पड़ेगा कि कौन से मेडिकेशंस वार्ड में यूज कर सकते हैं और कौन से आईसीयू के कॉन्टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं. ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस में केटामीन आईसीयू यूज में ही रिस्ट्रिक्टेड यूज होता है और वार्ड में सिम्टम कंट्रोल के लिए बाकी सारे मेडिकेशंस अलाउड होते हैं. तो एक एक्सेस टू मेडिकेशन की भी बात होती है. डॉक्टर राजश्री ने एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बोला है कि इट मे इंक्रीज सिक्रीशंस एंड कैन वर्सन डिलीरियम, तो ये कॉशियसली यूज किया जाए उसके लिए. एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया आई थिंक डॉक्टर गीतिका ने, और वो था स्पिरिचुअल कंसर्न्स ऑफ द पेशेंट. और ये मुझे बहुत अच्छा लगा और ये एक्चुअली हम डिस्कस करने वाले हैं कल परसों में हम जब एंड ऑफ लाइफ के बारे में बात करेंगे. तो ये थ्रू आउट द जर्नी ऑफ मिस्टर रमेश उनके स्पिरिचुअल कंसर्न्स को हमने एड्रेस करना चाहिए. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी अभी बिफोर वी क्लोज बिकॉज वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ आवर प्रोग्राम टुडे. एंग्जाइटी वगैरह के बाद में हम जानते हैं कि कोविड के वजह से लोगों को बहुत एंग्जाइटी हो रही है. तो मेरे बहुत ही एक कपल बुजुर्ग पेशेंट हैं जिन्होंने मुझे एस्थमेटिक हैं, उन्होंने फोन करके बोला कि एंग्जाइटी हो रही है उन्हें पहले से ही. डिप्रेशन है और माइल्ड एंग्जाइटी है. तो उन्होंने फोन किया कि वो मीट करना चाह रहे थे साइकाइट्रिस्ट से कि शायद उनकी एंग्जाइटी उनको पैनिक अटैक्स आ रहे थे. लेकिन जब उनसे बात की हमने तो हमें पता चला कि उनका मेन कंसर्न ये था कि शायद उन्हें ये लग रहा था कि कोई उन्हें किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाएंगे अगर वो पॉजिटिव हो जाएं, वो किसी से मिल नहीं पाएंगे, उनके विशेस कोई नहीं सुनेगा और उनको ये मौका नहीं मिलेगा बोलने के लिए कि उन्हें ये सारी चीजें नहीं चाहिए. तो जब मैंने और साइकाइट्रिस्ट ने उनसे बात की और कहा कि नहीं ये आप सब बोल पाएंगे, ऐसा नहीं है कि कोविड में कोई फिक्स प्रोटोकॉल है और पेशेंट का कुछ इनपुट होगा ही नहीं, तो उनके पैनिक अटैक बंद हो गए और उनके मेंटेनेंस डोज वो आराम से कंटिन्यू कर पाए. तो ये जो क्यों पेशेंट को पैनिक अटैक हो रहा है, क्यों एंग्जाइटी हो रहा है, ये बात करने से पता चलेगा. और कल के सेशन में कम्युनिकेशन में हम पता कर पाएंगे कि कैसे हम उनके छोटे छोटे फियर्स को कंसर्न्स को एड्रेस करें. एंड विद दैट आई थिंक आई विल क्लोज द सेशन टुडे. तो मैं आप सभी को फिर से इनवाइट करूंगी कि आप सीधे बैठ जाएं और हम साथ में 4-5 लंबे सांस लेंगे. तो सीधे बैठ जाइएगा, आपकी रीढ़ की हड्डी